डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल उन लेडीज के लिए रेसिपी लेके आई हूँ जिन्हें सिर्फ संडे की छुट्टी होती है और बाकी दिन उन्होंने जॉब पे जाना होता है। तो आप संडे के दिन एक ये मसाला बना के रख लें और पूरा हफ्ता आप उसी मसाले के साथ कोई भी मन चाहे सब्जी आप अच्छी से अच्छी 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मसाला बहुत ही पसंद आएगा। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये बहुत ही अच्छा मसाला। ये मैं पेस्ट जो बनाने जा रही हूँ, इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक फ्राई पैन को गैस पे रख लिया है। इस पेस्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स ज्यादा नहीं है और ये फायदेमंद इतना है कि इसे स्टोर करके अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो काफी दिन तक ये खराब नहीं होगा और आप 1 मिनट के अंदर कोई भी सब्जी तैयार कर सकते हैं। जब आपका किसी सब्जी को दिल हो 2 चम्मच पेस्ट के डालो और आपकी सब्जी तैयार, चाहे वो मटर पनीर हो, चाहे वो कोफ्ते हो, चाहे वो चने हो, कुछ भी बनाना हो आपने, तो उम्मीद है आपके बहुत ही काम आएगी ये रेसिपी। बिल्कुल होटल स्टाइल बनेगी, होटल वाले भी अक्सर ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ये होटल वाला स्टाइल है। पैन के अंदर मैंने ये 2 बड़े चम्मच तेल के डाल दिए हैं। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। तेल गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को हल्का सा ब्राउन होने दें। आप देख रहे हैं जीरे का कलर चेंज हो चुका है, जीरा हमारा ब्राउन हो गया है, इसको ज्यादा हमने जलाना नहीं है। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। ये हमने 2 प्याज लिए हैं, इसको हमने मोटा मोटा ग्राइंड किया है, बहुत ज्यादा ब्रीक नहीं किया। फ्लेम हमने लो कर दिया, इसे लो फ्लेम पे हमने बनाना है क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो प्याज का जो ये मसाला है जलेगा, और जलेगा तो अक्सर आपने देखा है कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो मसाला थोड़ा सा जल जाता है या नीचे लगना शुरू हो जाता है या एकदम लाल हो जाता है, तो हम हल्का सा पानी डाल देते हैं। बट आपने यहाँ ये टिप्स ध्यान में रखना है, इसके अंदर पानी नहीं डालना क्योंकि हमने इसे स्टोर करना है, तो इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि ये जले नहीं। और इसके अंदर घी थोड़ा सा ज्यादा डलेगा क्योंकि जब भी हमने सब्जी बनानी है, हमने इसी पेस्ट के साथ सब्जी बनानी है, तो घी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी आप जो भी यूज करते हैं। 2 से 3 मिनट हमने प्याज को अच्छे से भुना है, इसके बाद हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इसे अच्छे से भून लेना है। इसे भूनने में आपके 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगे, लेकिन ये है कि 15 से 20 मिनट लगाने के बाद आपका बहुत टाइम बचेगा। आप इसको 1 हफ्ते तक रखें, 1 हफ्ते में आप जितनी भी सब्जी बनाते हैं उसके अंदर 2 चम्मच ये डालें और अपनी सब्जी को 5 मिनट के अंदर तैयार कर लें। आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, एकदम आपको सब्जी तैयार करनी पड़ जाती है, तो आप इसी मसाले से कोई भी अच्छी डिश तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मसाला जो है पूरी तरह से भुना जा चुका है, साइड से तेल जो है अलग होने लगा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। ये मैं इसके अंदर 2 छोटे चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। इसमें मसाला थोड़ा तीखा ही डाल के रखेंगे क्योंकि हमने इसी से सब्जियाँ तैयार करनी है। ये मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी तो नहीं होती बट इसका कलर बहुत अच्छा होता है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी कि इसके अंदर ना तो हमने टमाटर डालना है क्योंकि टमाटर डालने के बाद ये स्टोर नहीं कर पाएंगे, और ना ही इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल के रखना है। ये आप ध्यान रखें, गरम मसाला डाल के रखने से सब्जी का कलर जो है वो काला होना शुरू हो जाता है, यानी पेस्ट आपका काला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने गरम मसाला तब डालना है जब आप कोई भी सब्जी इससे तैयार करेंगे। अब ये मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसे मैंने बीच बीच में चलाया है, 15 से 20 मिनट इसको भूनने में लग गए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इसे लो फ्लेम पे भूनना है हमने। बहुत ही टेस्टी ये मसाला बनके तैयार होगा। आप ऐसे भी इसके साथ रोटी खाओ तो बहुत अच्छी लगती है, परांठा या पूरी खाओ तो, और आप सब्जी बनाना चाहो तो वो तो बन ही सकती है। बिल्कुल आपको होटल की सब्जी का टेस्ट आएगा। होटल में भी ऐसे ही किया जाता है, मसाला बना के रखा जाता है और कोई भी सब्जी मिनटों में तैयार कर ली जाती है। हल्दी नमक डालने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है ताकि हल्दी का टेस्ट कच्चा ना रहे, कड़वा ना रहे। ये हमारा मसाला जो है पूरी तरह से बनके तैयार है। इसे हम ठंडा कर लेंगे, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। इसे टोटल बनाने में 20 से 25 मिनट लगे हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप किसी भी कांच के बाउल के अंदर इसको बंद करके, कोई एयर टाइट है तो एयर टाइट ले लो, अगर कोई नहीं है तो उसे बंद करके रखना है। आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन आप इसे यूज करते रहे और इस मसाले से हर सब्जी को आप एंजॉय करें जो आप खाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी टाइम की बहुत सेविंग होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।